हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे अमेजिंग सीक्रेट्स की जो हैरी पॉटर सीरीज में छिपी हुई है, जिन्हें स्कॉलर्स ने डिकोड किया है। ये कोई फैन थ्योरीज नहीं जो लोगों ने कंक्लूड किया है या इमेजिन किया है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, या ऐसी डिटेल्स जो दिखाई तो गई है मूवी में बट मिस हो गई, बल्कि हम बात करेंगे ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड एनालिसिस से सामने आई डिटेल्स की, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जेके रोलिंग ने कितना दिमाग, दिल और डिटेल्स से इस सीरीज को लिखा है। इसमें से कई डिटेल्स रियल लाइफ इंसिडेंट्स एंड हिस्टोरिक इवेंट्स पर बेस्ड हैं। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शॉर्ट आउट टू प्रणु, राज एक्स 1000 गेमिंग, गुरमीत सिंह एंड विनोद कुमार। थैंक यू सो मच पॉटर्स फॉर बिकमिंग द चैनल मेंबर। अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले 10th पर है डंबलडोर का नेविल को 10 पॉइंट्स देना। सुनने में बात बहुत ही नॉर्मल लगती है कि रॉन, हरमाइनी और हैरी को भी तो पॉइंट्स मिले थे, नेविल को भी मिल गए तो कौन सी बड़ी बात है। पर फैंस ने इसका अमेजिंग एनालिसिस करके कंक्लूजन निकाला है कि आखिर नेविल को ही ये पॉइंट्स क्यों दिए गए, किसी और को क्यों नहीं। तो डंबलडोर ने नेविल को ये पॉइंट्स दिए क्योंकि वो अपने दोस्तों के खिलाफ खड़ा हुआ था सही के लिए। उसने उनका सामना किया, और दोस्तों का सामना करना कितना मुश्किल है गलत होने पर शायद डंबलडोर से ज्यादा और कोई नहीं जानता था, क्योंकि पास्ट में सही टाइम पर उन्होंने ये नहीं किया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रिंडलवॉल्ड के साथ हुई उनकी दोस्ती के बारे में। ग्रिंडलवॉल्ड को अगर सही टाइम पर रोक दिया जाता उसका सामना करके, तो वो इतना आतंक नहीं फैला पाता। दूसरा, जब फाइनली उन्होंने उसका सामना किया तो वो अच्छी तरह समझते थे कि ये कितना टफ है। दुश्मनों का सामना करना इससे ज्यादा इजी होता है, और अगर ऐसा कोई सिर्फ 11 साल का एक बच्चा करे तो बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए नेविल को वो 10 पॉइंट्स दिए गए थे। 9th पर है स्नेप का डिकोडेड मैसेज। शायद ये एनालिसिस अब तक आप में से कई लोगों को पता चल चुकी होगी, क्योंकि ये काफी फेमस हुई, खासकर एलन रिकमैन यानी जिन्होंने स्नेप के कैरेक्टर प्ले किया था उनकी मौत के बाद। और वो था, स्नेप ने हैरी के साथ हुई अपनी पहली क्लास में हैरी से जो सवाल पूछे थे, तो ये सीन आपको याद होगा। जब स्कॉलर्स ने इस सेंटेंस को डिकोड किया तो उन्होंने पाया कि एस्फोडियल विक्टोरियन फ्लावर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक टाइप की लिली फ्लावर है, जिसका मतलब निकलता है माई रिग्रेट्स फॉलो यू टू द ग्रेव, और वॉर्म वुड का मतलब है एब्सेंस या बिटर सोरो। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब निकलता है आई बिटरली रिग्रेट लिलीज डेथ। और डिटेल में जाएं तो एस्फोडियल का यूज स्नेक बाइट्स को क्योर करने के लिए किया जाता है। सीरीज में उसका रिलेशन वोल्डेमॉर्ट से हुआ है, क्योंकि वो पार्सल टंग था और उसकी शक्ल भी स्नेक जैसी ही थी, और उसी ने ही लिली को मारा भी था। 8th पर है वॉन्ड मटेरियल और को मटेरियल का इम्पैक्ट। मैंने पहले भी वॉन्ड्स की डिटेल एक्सप्लेन की है एक वीडियो में, इंक्लूडिंग उसका पर्सनालिटी से क्या रिलेशन है। उसी पर स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे वोल्डेमॉर्ट और हैरी के वॉन्ड से उनकी डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड थी। सबसे पहले वोल्डेमॉर्ट की वॉन्ड की बात करें तो ये यू ट्री की लकड़ी से बनी थी, जिसे इमोर्टेलिटी का सिंबल माना जाता है, जैसे वोल्डेमॉर्ट भी चाहता था और काफी कुछ उसने अचीव भी कर लिया था। पर इस ट्री को साथ में अनलकी भी माना जाता है, क्योंकि ये मोस्टली ग्रेवयार्ड में पाया जाता है, जो कि हमने सीरीज में भी देखा था कि ग्रेवयार्ड में ही वोल्डेमॉर्ट दोबारा अपनी बॉडी पाकर जिंदा होता है, और ट्री के अनलकी होने के कारण वो इमोर्टेलिटी अचीव भी नहीं कर पाया। दूसरी तरफ हैरी की वॉन्ड थी हॉली ट्री की, जिसे इविल फोर्सेस को दूर रखने वाला ट्री भी कहा जाता है, और हैरी ने ही वोल्डेमॉर्ट को मारकर उसकी इविलनेस से दुनिया को बचाया था। अब बात करें कोर मटेरियल की, तो दोनों की ही छड़ी में फीनिक्स का पंख था, और फीनिक्स मरकर जिंदा होने के लिए जाने जाते हैं, और दोनों ही कैरेक्टर मरकर जिंदा हुए थे। 7th पर है रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स जो जेके रोलिंग ने लिए हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है ह्यूमन ऑफ विचेस, जेके रोलिंग की भाषा में बोले तो मगल्स ऑफ विजार्डिंग वर्ल्ड के बीच लड़ाई। सेलम विचेस को जलाकर मारना न सिर्फ हैरी पॉटर में बताया है, बल्कि रियल हिस्ट्री में भी टेक्स्ट अवेलेबल है इस टॉपिक पर। हैरी पॉटर में इस बात का जिक्र है कि विजर्ड्स और मगल्स के बीच नहीं बनी थी, जिसमें मगल्स जीत गए थे और विजिटिंग कम्युनिटी छिप कर रहती थी। ग्रिंडलवॉल्ड की पूरी लड़ाई ही इसी बात पर थी। और रियल हिस्ट्री में भी हमें ऐसा टाइम और टेक्स्ट मिलता है जिसमें विच हंटिंग, ट्रायल्स, बर्निंग अलाइव जैसी बातें कई बार सामने आई हैं। 6th पर एक ऐसा कैरेक्टर जो कि रियल लाइफ में भी था, और वो है निकोलस फ्लैमेल। इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि निकोलस फ्लैमेल न सिर्फ हैरी पॉटर में है बल्कि रियल वर्ल्ड में भी थे। और अमेजिंग बात ये है कि ये दोनों कैरेक्टर सेम ही हैं।
रियल वर्ल्ड के निकोलस फ्लैमेल भी एक एल्केमिस्ट थे। उन्होंने ही फिलोसोफर स्टोन भी बनाया था और उसी टाइम में उनका जन्म हुआ था जिस टाइम की बात जेके रोलिंग ने अपनी सीरीज में की है। फिफ्थ पर जो डिटेल है वो रियल इवेंट के ऊपर बेस्ड है और वो ये है कि जब हैरी पॉटर और ऑर्डर ऑफ फीनिक्स मूवी और बुक दोनों की ही स्टार्टिंग होती है तो बताया गया है कि बहुत गर्मी है, सारे पार्क बगीचे सूखे पड़े हैं और ये बात बुक के अकॉर्डिंग 1995 की है। और अगर हम 1995 की न्यूज देखें तो ब्रिटेन में सच में सूखा पड़ा था इस समय पर ही और बहुत गर्मी थी। उसी इवेंट को जेके रोलिंग ने यहाँ डिपिक्ट किया है। फोर्थ पर भी इसी तरह की एक रियल लाइफ इवेंट की एनालिसिस है और वो है कि ल्यूपिन आखिरकार ट्रेन से क्यों ट्रेवल कर रहे थे और वो भी सोते हुए थकी हुई हालत में। तो स्कॉलर्स ने इसका जवाब भी आखिर ढूंढ ही लिया। प्रिजनर ऑफ अज़्काबान कहानी है 1993 की और अगर ल्यूनर साइकिल पर हम ध्यान दें तो 1 सितंबर 1993 यानी जिस दिन वो लोग हॉगवर्ट्स जा रहे थे सुबह 4 बजे फुल मून नाइट थी, यानी उस रात ल्यूपिन वेयरवुल्फ बने थे। सुबह होने पर फुल मून नाइट के बाद वो थके हुए और कमजोर थे इसलिए वो ऑपरेट होकर हॉग्समेड नहीं पहुंच सकते थे बाकी टीचर्स की तरह, इसलिए उन्होंने ट्रेन की जर्नी को चुना और टफ रात के बाद वो एग्जॉस्टेड थे इसलिए वो सो रहे थे। थर्ड पर है मास ब्रेकआउट फ्रॉम प्रिजन। आपको याद होगा कि फिफ्थ पार्ट में डेथ ईटर्स को अज़्काबान प्रिजन से निकाल लिया गया था जेल तोड़कर और पेपर की हेडलाइन आई थी कि मास ब्रेकआउट हुआ है और ये बात है 1996 की। पर रियल लाइफ में अगर हम देखें तो ब्रिटेन में 1983 में सच में ऐसा कुछ हो चुका था। उस मास ब्रेकआउट में 38 IRA मेंबर्स भाग गए थे जेल ब्रेक से। सेकंड पर है जेके रोलिंग का कैरेक्टर्स के नाम डिसाइड करना। हैरी पॉटर सीरीज में अगर हम फैमिली ट्री, एल्व्स, ह्यूमन सब कंसीडर करें तो 500 से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे और हर एक कैरेक्टर के नाम के पीछे जेके रोलिंग ने रीजन दिया है। फिर वो फेनरिर हो यानी वुल्फ लाइक, रीमस हो यानी रोमन मैथोलॉजी के वो ट्विन भाई जिसे शी वुल्फ ने बड़ा किया था और जिन्हें वेयरवुल्फ माना जाता था, बेलाट्रिक्स यानी फीमेल वॉरियर, पूरी ब्लैक फैमिली जिनके नाम स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन पर थे, आगस फिल्च यानी केयर टेकर का नाम जिसका नाम ग्रीक गॉड आगस के नाम पर रखा गया है जिसके मल्टीपल आईज होते थे और जो सब देख सकते थे, और सच तो यह है कि फिल्च भी सब कुछ देख सकता था और एंड मोमेंट पर टपक पड़ता था, या फिर हैरी का ही नाम क्यों ना हो, हैरी यानी जिसे कंटिन्यूसली हरास किया गया हो। सभी नाम सोच समझ कर रखे गए हैं पर बात यहाँ ही खत्म नहीं होती। अगर हम सबकी डेट ऑफ बर्थ देखें और उस बेसिस पर हम उनके जोडियक साइन देखें, और जैसा हम सभी जानते हैं हर जोडियक की अपनी एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है, आप पाएंगे कि सबकी पर्सनालिटी उनके जोडियक से मैच भी करती है। जैसे हैरी, जिनी और नेविल ब्रेविस थे, ब्रेव यानी शेर यानी लियो जोडियक साइन, और अगर हम कैलेंडर देखें तो तीनों के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो लियो होते हैं। अगर हम बात करें वर्गो जोडियक की, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है हाई स्टैंडर्ड, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और सिमेट्रिक अप्रोच रखने वाले, और इस बेसिस पर अगर हम सीरीज में देखें तो दो इंसानों को हम अच्छी तरह से जानते हैं जिनमें एक क्वालिटी थी, हरमाइनी और डंबलडोर, और दोनों की अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्गो थे। वहीं अगर हम बात करें लिब्रा की तो वो वर्ल्ड में बैलेंस बनाकर चलने और हारमोनी एंड सिमेट्री को पसंद करने वाले लोग होते हैं और ये सारी क्वालिटी हमें मैकगोनिकल में देखने को मिलती है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो लिब्रा थी। पाइसेस जो होते हैं वो उनकी लॉयल्टी के लिए फेमस होते हैं और ये चीज हमें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये जोडियक रॉन का था। बात करें खुले दिल, मस्तीखोर और थोड़े से मूवट लोगों की तो वो हमेशा एरीज वाले होते हैं, और सीरीज के दो सबसे बड़े प्रैंकस्टर फ्रेड और जॉर्ज एरीज जोडियक के थे। जेमिनाई को अक्सर ड्वेल फेज्ड माना जाता है पर वो दिल के साफ होते हैं, वो कई बार अपनी पर्सनालिटी स्विच कर लेते हैं पर दिल से कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, और सेम क्वालिटी हमें देखने को मिलती है ड्रेको में, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो एक जेमिनाई था। और वही बात करें कैप्रिकॉन्स की तो वो कंजर्वेटिव माने जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, थोड़े पेसिमिस्टिक और कंप्लेंट करने वाले, और आप समझ चुके होंगे कि ये सारी क्वालिटी सीरीज के एक कैरेक्टर में रही है और वो है स्नेप। ऐसा ही ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर के बर्थडेज को कंसीडर किया जाए तो उनकी पर्सनालिटी उनके जोडियक के अकॉर्डिंग बिल्कुल मेल खाती है। और फाइनली फर्स्ट पर है डेथ ईटर्स रिजेंबल्स टू नाज़ी। जेके रोलिंग से इंटरव्यू में जब वोल्डेमॉर्ट और डेथ ईटर को बनाने का इंस्पिरेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि हालांकि उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं था पर अल्टीमेटली उनके विलन्स हिटलर और नाज़ी से ही इंस्पायर्ड थे और इनमें गजब की सिमिलैरिटीज है। जैसे एडोल्फ हिटलर के पिता का सरनेम पहले शिकल ग्रुबर था जिसे बदलकर उसने हिटलर कर लिया था, और वोल्डेमॉर्ट का रिडल जिसे छोड़कर उसने नया नाम रख लिया था। दोनों का बचपन काफी अकेलेपन में गया था,
दोनों रेसिस थे, जैसे हिटलर को ज्यूइश लोगों से प्रॉब्लम थी और उसने उन सभी को मार देने की कोशिश की, वैसे ही वोल्डेमॉर्ट ने मगल बॉन्ड्स और मगल्स के साथ ऐसा किया। जैसे हिटलर जर्मन आर्यन बॉन्ड सुप्रीमेसी में बिलीव करता था, वोल्डेमॉर्ट प्योर ब्लड पर, और दोनों ही खुद प्योर नहीं थे जैसे कि वो क्लेम करते थे। दोनों ने अपनी मैनिपुलेशन स्किल से एक आर्मी बनाई और उसे नाम दिया। वोल्डेमॉर्ट ने डेथ ईटर और हिटलर ने नाज़ी। दोनों ने अपना सिंबल बनाया, वोल्डेमॉर्ट ने डार्क मार्क और हिटलर ने स्वास्तिका। दोनों के सपोर्टर्स फुली डिवोटेड थे अपने लीडर्स के लिए। दोनों ने मास किलिंग की और फुल सपोर्ट चाहा, और जो कोई उनके खिलाफ गया उन दोनों ने ही उन्हें और उनके परिवार वालों को मरवा दिया। वोल्डेमॉर्ट का हॉगवर्ट्स पर काबू करना हिटलर के यूथ मूवमेंट जैसा था कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स से अलग करके बड़ा करो और उनके मन में ब्लड सुप्रीमेसी की बात भर दो। एक टाइम था लोग हिटलर का नाम लेने से डरते थे। आज भी जब कोई क्रूअल होता है तो उसे हिटलर कहा जाता है। ऐसा ही विजर्डिंग वर्ल्ड में बताया गया है कि वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने से लोग डरते हैं। दोनों जगह ही दो बड़े वॉर हुए, रियल वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 1 और 2, और दोनों में हिटलर जिस साइड से लड़ा था वो साइड हारी थी। और विजर्डिंग वर्ल्ड में भी दो वॉर हुए, फर्स्ट विजर्डिंग वॉर एंड सेकंड विजर्डिंग वॉर, और दोनों में ही वोल्डेमॉर्ट की साइड हार गई थी। बात यहाँ ही खत्म नहीं होती। ब्लैक सिस्टर्स यानी नार्सिसा, बेलाट्रिक्स और एंड्रोमेडा भी मिडफोर्ड सिस्टर्स से इंस्पायर्ड हैं, जिसमें यूनिटी मिडफोर्ड को हिटलर से प्यार था जैसे बेलाट्रिक्स को वोल्डेमॉर्ट से, और दोनों अपने लीडर की डाई हार्ट फॉलोअर थी। नार्सिसा डायना मिडफोर्ड से इंस्पायर्ड है। दोनों ही बहुत ही रिच थी और अपने लीडर्स के सपोर्टर्स तो थे, पर उन्होंने किसी और से शादी की थी। जेसिका मिडफोर्ड एंड्रोमेडा जैसी थी, जिसने हिटलर का सपोर्ट नहीं किया और वो अपने यंग डेज में ही घर से भाग गई और दूसरी तरफ से उसने लड़ाई की, और नाज़ी ने उसके कम्युनिस्ट हस्बैंड को मार डाला था जैसे एंड्रोमेडा के हस्बैंड टेड को डेथ ईटर्स ने मार डाला था। अमेजिंग सिमिलैरिटीज एंड एनालिसिस, राइट? तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 10 हैरी पॉटर सीक्रेट्स जिन्हें डिकोड करा गया है और रियल वर्ल्ड इंसिडेंट से कनेक्ट करा गया है। आपको इनमें से कौन सा सीक्रेट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।